हाल ही में भारत ने रोहिंग्या मुस्लिमों को देश से बाहर करने का फैसला लिया था, जिसके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जमकर आलोचना हुई। सोमवार को संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष मानवाधिकारी संगठन के अध्यक्ष ने रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ भारत के रुख को शर्मनाक बताया, जिसके बाद बुधवार रात को सरकार के शीर्ष आला अधिकारियों ने प्रधानमंत्री कार्यालय में अपनी रणनीति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव नरेंद्र मिश्रा ने ये मीटिंग बुलाई थी। मीटिंग में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के अलावा रॉ चीफ भी मीटिंग में मौजूद थे। इन सभी ने रोहिंग्या मुसलमानों के पाकिस्तानी आतंकी संगठनों के साथ बढ़ते संबंधों पर बातचीत की। अधिकारियों के मुताबिक रोहिंग्या विद्रोहियों का मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद और लश्कर ए तैयबा से संबंध बन गए हैं, और लश्कर रोहिंग्या आतंकवादियों को पैसा और हथियार मुहैया कराता है। उनके द्वारा समीक्षा की गई कि एक इंटेल रिपोर्ट में कहा गया कि रोहिंग्या मुस्लिम समुदायों के बीच पाकिस्तान के आतंकी संगठनों का बढ़ता प्रभाव एक गंभीर उभरता हुआ खतरा है, और इसका इस्तेमाल भारत को निशाना बनाने के लिए किया जाएगा। सरकार पहले ही कह चुकी है कि रोहिंग्या मुसलमान देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दबाव भारत के लिए मुश्किलें पैदा कर रहा है। अब देखना होगा कि इस मुद्दे पर सरकार आगे क्या कदम उठाती है। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताइए। इसके साथ ही देश दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।